यदि आपका बजट है 10,000 रुपए और आप 10,000 रुपए में एक बड़ी बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हैं ना, तो भैया मार्केट में घूमता फिरता एक नया फोन आ चुका है जहां पर आपको मिलने वाली है 4500 mAh की बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है और Realme 2 में आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यार वो Realme 2 है, वहां पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन ये जो फोन है ये है Infinix का Note 5 जहां पर आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन इस फोन का जो प्राइस है वो है 10,000 रुपए जहां पर आपको मिलने वाला है 3GB और साथ में 32GB की इंटरनल मेमोरी। यदि आप स्क्रीन की बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलने वाली है 5.99 इंच की फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले। डिस्प्ले सही है लेकिन पीछे की तरफ यदि आप फोन देखते हैं ना, तो भैया आपसे आपकी गर्लफ्रेंड ये पूछेगी कि भैया ये कौन सा फोन है, क्योंकि फोन दिखने में बड़ा प्यारा दिखता है भले ये Infinix का हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई ये नीचे बता दीजिएगा। वैसे डिस्प्ले के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैमरा। यहां पर आपको मिलने वाला है 12 MP का रियर कैमरा और जिसका अपर्चर है f2.0 और साथ में आपको मिल रहा है 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा जिसका अपर्चर है f2.0 और साथ में गूगल लेंस का सपोर्ट मिल रहा है। ये इस फोन की सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये जो फोन बेस्ड है ये है एंड्रॉइड 1 के साथ, मतलब यदि आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील चाहिए, जल्दी जल्दी से अपडेट चाहिए, तो ये फोन परफेक्ट हो सकता है। लेकिन यार कोई फोन तभी परफेक्ट होता है जब उसका प्रोसेसर अच्छा हो और यहां पर आपको मिल रहा है हेलियो का P23 प्रोसेसर, वो भी मीडियाटेक का। और मैं आपको ये बता दूं ये जो बेस्ड है ये बेस्ड है 16 नैनोमीटर पे और 10,000 रुपए में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आपको मिल जाता है रेडमी का Y2 जहां पर आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है और साथ में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। नोट 5 भी है शाओमी का, ये फोन भी बड़ा जबरदस्त है। और नहीं तो यदि आपको मीडियाटेक से ही प्यार है तो यार रियलमी 1 में आपको मिल जाता है हेलियो का P60 जो बेस्ड है 12 नैनोमीटर पे। इन तीनों फोन की जो मैंने अभी बताया ना उनकी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन कोई बात नहीं यार, अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मुझे तो आपको बताना था इसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं होने वाली जितना और कोई फोन दे देता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं भैया और क्या इस फोन में एक्स्ट्रा मिलता है। यदि आपको ज्यादा मेमोरी वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है। यहां पर आप 2 Jio सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, क्योंकि यार ये जो चिपसेट है ये ड्यूल 4G को सपोर्ट करता है और साथ में मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। मतलब आप बिंदास कुछ भी करिए, मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए और अपने फोन में डाल लीजिए। यहां पर आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप फटाफट अपने फोन को अनलॉक करना चाहते हैं ना, तो बस अपनी उंगलियां लगाइए। लेकिन अब बात कर लेते हैं रैम और प्राइस की। यहां पर आपको 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी वाला फोन पड़ जाता है 9999, मतलब 9,999 रुपए का। और यदि आपका पेट नहीं भरता है तो आपके लिए 4GB की रैम और 64GB का ऑप्शन भी है जो आपको पड़ जाता है 12,000 रुपए का। मेरे हिसाब से यह फोन थोड़ा सा महंगा है, आप क्या सोचते हैं ये नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैंने आपको जितने ऑप्शन बताए ना, इस ऑप्शन में आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और आपके दिमाग में यदि अभी भी कोई और फोन है और कोई और क्वेश्चन है वो भी नीचे बता दीजिएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा बेल बटन होगा इसे प्रेस कर दोगे तो हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।